आज हम रात को खा रहे पूरी पूरी मेरे पास है मेरी बूढ़ी ये बोल हंस रहे ना लोग हंस रहे ना दैट्स इम्पोर्टेंट समझ रहे हो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड गाइस आज फाइनली रोही आने वाली है और आज आएगी वो शाम को 6 बजे देन आप लोगों को रोही से भी मिलवाऊंगा एंड अभी मैं अपने एकेडमी के कुछ काम कर रहा हूँ सरप्राइजली कैसे आ गया ओ गेट बंद करो यार क्षमा अभी भाग जाता ये अभी भाग जाता ये देखो गाइस कितना बैग लेके आई है जल्दी आ जाओ शेषी आ रहा है फिर भागने के लिए शेषी गेट में मत आ जाना मैं बता रहा हूँ तुम्हें आ गया सारा सामान सो गाइस क्षमा आ गई है क्षमा वेलकम बैक टू होम ज्यादा ही चीज है सही है बाहर धूप तो निकली हुई है बट ठंड है यार गाइस अभी भी ना धूप भी बिल्कुल नाम मात्र के है गाइस ऐसा हाल हुआ पड़ा है देखो गाइस ऐसा पहनना पड़ रहा है बिल्कुल पहाड़ों में नहीं पहनते वैसे हाँ ये मेरा चोर है सीधा भाई क्या करो सर में लग रही हवा बिल्कुल सारी दुनिया का बोझ हम उठाते वाला काम है कसको ही सब्जी गुड इवनिंग और आज ब्लॉग मैंने कुछ किया नहीं है बिल्कुल भी और आज रोही आने वाली है तो मम्मा और मासी का डिस्कशन चढ़ा पीछे मासी हाय कर दो क्षमा सो मम्मा और क्षमा का डिस्कशन चलता रहता है और देखते हैं मम्मा क्या बना रही है और रोही भी आई थिंक आने वाली है आधे घंटे के अंदर आ जाएगी और आप लोगों को आज रोही से मिलवाते काफी टाइम हो गया वो गई थी बैंकॉक आप लोगों को पता चल भी गया होगा तो मम्मा से मिलवाते मम्मा क्या बना रही है आज सच में बता रहा हूँ गाइस इसने बचा रखा है बहुत ठंडा है सो देखते मम्मा क्या बना रखा है ओ भाई बेटी के आने की खुशी में छोले और अभी थोड़ी देर में हो जाएंगे होले होले अच्छा आज कौन सा है आज तो थर्सडे आज मूवी में नहीं आता पूनम मासी के दिन आत्माएं भटकती है फोन हिल रहा है मेरा हाँ क्षमा मासी क्या बोलते हैं पूनम मासी के दिन मुझे उतना पता नहीं नहीं पता मूवीज में होता था ना भूत आते हैं भूत देखा कभी आपने आपने देखा भूत अच्छा अब भूत को उल्टा पटक पटक के मारेंगे दो भी पछाड़ मम्मी भी बिलीव करती भूत में गाइस अच्छा आत्मा ही होती है आत्मा गाइस देखो कितना बढ़िया पहन रखा ये भी सरोजनी का ही है ये भी सरोजनी का आइटम है ये भी 100-200 का ही होगा इतना ही होगा इससे ज्यादा महंगा नहीं होगा बाप रे बाप कम से कम मतलब दोनों बहनें 1-1.5 घंटे से बातें कर जा रही है पता नहीं क्या बात कर रही है समझ नहीं आ रहा ऐसा मतलब लगी पड़ी मैंने तब तक शूट नहीं किया था मैं सोच चलो साथ होंगी साथ ही नहीं हो रही मेरा मस्त मगन ओ भाई सही है गाइस ये देखो कितना सही है मस्त यार कुछ अपन के लिए नहीं है क्या मस्त वाली चीज अपन के लिए कोक है तो कोक नहीं पिएगा अपन कोक नहीं पिएगा तो गाइस अभी चाय भाई पानी वानी भी गर्म हो रहा है बहुत बुरा हाल है ऊपर होता है इसीलिए मुझे बहुत ठंड लग रहा है तो गाइस हमारी क्षमा अभी काफी दिनों के लिए है तो मजा आने वाला है और कोई को लेने जा रहा हूँ वो नीचे आ चुकी है और यार मम्मा और क्षमा अपनी लगी हुई है डिनर में तो अब मैं जा रहा हूँ रोही को लेने के लिए नीचे सो भाई ठंड बहुत है भाई लिफ्ट को बुलाओ लिफ्ट सो गाइस आ गई है मैडम आ गई है कहाँ सामान का बाप रे बाप सामान देख रहे कितना ज्यादा
इतना ही सामान बस, मुझे लग रहा बहुत सामान होगा। फाइनली आ गए मैडम, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडिया। वेलकम बैक टू इंडिया। हाउ वाज योर ट्रिप ब्रो? दिखने में तो तू रशिया से लग रहा है। एक्सपेक्टेड अ गिफ्ट, इसके बदले मुझे मिला है लिफ्ट। लिफ्ट सो गाइस, हम लोग इसलिए हम ये देख रहे हैं इसके अंदर कुछ तो होगा यार हमारे। नहीं यार, साफ सीधा मना कर दिया हम उसको, कुछ नहीं लाइए वो। नहीं गाइस, कुछ लेके नहीं आई बिकॉज वैसे भी यार फ्लाइट में ना बहुत लिमिटेड ही सामान ला सकते हैं, इसी वजह से कुछ लेके नहीं आई गाइस वो। बट कोई नहीं, सुनने में आ रहा खाने की चीज लेके आई है कुछ ना। यस, वो हमारे लिए वही बहुत है। कुछ लाइए खाने के लिए, कुछ लेके आई है तो देखिए। ये अंबिका छमा यार, के पर लाए को लाए ने इसलिए यार, के पर लाए तो ये तो सेंट्रम लाने को यार, ये तो यार ये सेंट्रम तो देखो कैसा इसका बाबू जी का ठल्लू। बाबू जी का टुल्लू, बाबू जी का सारे सेंट तो रखे। ओह माय गुडनेस, ये क्या है? ये लेके आई क्या? ये आप लोगों की फेवरेट, एंड उसके अलावा भी देखते हैं लेके कुछ आई है वो भी देखेंगे। पहली बार ब्लॉगिंग कर देते नेपाली में, आम चावल कहाँ से, वहाँ से? ओह माय गॉड, सो गाइस आम चावल आपको थाईलैंड बड़ा यार, आम और चावल का क्या कॉम्बिनेशन है? हाँ यार, ये क्या वो तो पता नहीं, ये तो इतना ही बंच है यार, आम और चावल तो चाहिए। क्या है इसमें स्पेशल? के पनी चाहिए ना? कुछ भी नहीं, ये तो ये होता हामी हरूला बेफू बना को। ऐसे व्लॉगिंग करने में यार बड़ा ही अलग से लगता है ना, प्रोफेशनल लगता है, प्रोफेशनल लगता है ऐसा। हाँ ये है बहुत तगड़ा, देखो ना हमारे यहाँ पे होता तो टूट जाता, टूट आ ले तो टूटे ना। सबने अलग अलग लिया, मैंने ये वाला बाउल मैंने लिया था, और एक नूडल्स लिया था, साहिल ने कप नूडल्स लिए थे, अकरम ने कुछ और लिया था। हम लोग चारों बैठ गए 7-Eleven के बाहर और सीढ़ियों पे, और एक मेरे हाथ से चम्मच खाते शफल होता फिर उसके बहुत मजा आ रहा है। 7-Eleven क्या है नाम? 7-Eleven वहाँ का 24/7 है। अरे यार, पहले वो 7-11 रहता था चालू, बट अब 24/7 हो गया, और वो 7-Eleven हाँ, हर 5 शॉप के बाद आपको 7-Eleven मिलेगा। वहाँ की बैंकॉक की बेस्ट चीज है 7-Eleven, मेरे को बहुत पसंद आया 7-Eleven। खाना खा के तो पेट खराब हो गया वहाँ। ये कितना बढ़िया लग रहा है, तुमको वहीं से लाई है क्या, बैंकॉक से? क्या ये टी शर्ट बैंकॉक से लाई है? सही लग रही है ना, सुंदर लग रहा है, सही लग रहा भाई कसम से। लीजा मेरे से अच्छा लग रहा है, बहुत ब्लैक पिंक को बहुत वो करते हैं ना। थाईलैंड कुत्ता कहाँ है? ये कुत्ता ही रहा, कितना क्यूट लगता है। गाइस फाइनली घर में रौनक से आ गई है, रोही भी आ गई है, छैमा भी आ गई है, भाभी, मतलब घर में ना मजा आ जाता है जब भीड़ ज्यादा होती है, ठंड कम हो जाती है ना। ओ देखो गाइस आंख झल रही भाई, गाइस देखो ना कैसे कर रहा है, दादा को परेशान कर रहे। शशि बाबू देखो गाइस कितना वांटेड लग रहा है। हिम्मत है, देखो छाती पे बैठ के सो रहा, तेरा पेटू दिख रहा है रस्ती। पट रही है मेरी गाइस, क्यों पट रही, कुछ थोड़ी ना करता है वो, अच्छा लड़का है वो, देख रहा छाती में सो रहा है यार ये भाई, वो जहाँ मर्जी चाहे वहाँ सोता है भाई, he doesn't care about anything brother। हाँ अच्छे से सो गया, मेरे छाती पे देखो ना गुस्सा हो गया, डर गया यार, डर गया, मुझे नहीं देख रहा,
डर गया यार मम्मी की आवाज। वहाँ के लोगों की तरह बिल्लियाँ भी ऐसी, या तो बहुत ही पतली या तो बहुत ही मोटी, बिल्लियाँ भी ऐसी वहाँ पे। कितना प्यार मिलता है। आशीष के राइनस्टोन कितने अच्छे हैं ना। इतना मोहब्बत, इतना मोहब्बत तो काफी अच्छा है इसका राइनस्टोन। कितना प्यार मिल रहा है घर में इसको। कुछ नहीं लाए तो मैं मिस भी नहीं किया। कुछ तो लाती बहन, कुछ तो लाती बबू। एक बार भी नहीं बोला सैसी कौन है मामा। तुम्हें लाते मारते इसका चलो खाना खाते। पेट इतना खराब है। चलो गाइस खाना खाते। चल तू भी खाने आ, चल ले रोशनी। मम्मा बना दी पूरी। क्या बात है, कितना बढ़िया लग रहा है। सब घर में है, ठंड लग गया। छमा भी है, रोशन भैया तो रहते ही है, मम्मा है, भाभी है, रोही है, तो मजा आ गया। तो गाइस आज हम रात को खा रहे पूरी। पूरी मेरे पास है मेरी बूढ़ी। ये बोल हंस रहे ना लोग, हंस रहे ना। दैट्स इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो, समझ रहे हो। मेरे पास है दीदी। आपके पास है दीदी। चलो सारे साथ में बैठ के खाते हैं। आके सोएंगे ना इसलिए। सेठ को देखो, कोई बोल रहा है सेठ को। तो गाइज ये तो चलता रहेगा और अब खाएंगे और डिनर करके सोएंगे। तो इसी के साथ गाइज मैं इस वीडियो को, ब्लॉग को मैं ये एंड कर रहा हूँ। सो दिस इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए गाइज जाके जरूर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं नई वीडियो न्यू ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय एंड सी इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइज। लव यू एंड गुड नाइट। गुड नाइट। पूरी खा के मिलेंगे आप कल। गुड नाइट।